आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि रिंग कैसे डालते हैं, रिंग डालने का सही तरीका क्या होता है, कैसे कैसे सेट करने से ग्रुप में रखने से मोबिल नहीं खाता है गाड़ी का, और बताएंगे हम आप लोग को कि क्रैंक सही है ख़राब है उसे चेक कैसे करते हैं, और कनेक्टिंग रोड में सीआर बैरिंग कैसे लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग का आ गया है लेथ से काम हो के, दोनों का कनेक्टिंग रोड का और हेड का काम हो चुका है लेथ में। अब इसे हम लोग अच्छे से क्लीन करेंगे पेट्रोल से फ्रेंड्स, उसके बाद लगाएंगे। पेट्रोल से वॉश करेंगे, ये हम लोग लगभग अच्छे से वॉश हो चुका है। देखिए अब वाल्व धोएंगे और कनेक्टिंग रोड धोएंगे, पहले कनेक्टिंग रोड धोएंगे पहले, उसके बाद वाल्व धोएंगे हम लोग, उसके बाद नट बोल्ट धोएंगे। इसलिए फास्ट कर दिखा रहे फ्रेंड्स वीडियो को, बने रहे वीडियो पे। अब पेट्रोल से अच्छे से क्लीन करें, पेट्रोल से धोने से सब तेल का मात्रा उड़ जाता है, इसलिए हम लोग पेट्रोल से धोते हैं। डीजल से धोने से होता है क्या कि डीजल जल्दी सूखता नहीं है, इसी के कारण हम लोग पेट्रोल से धोते हैं। हम लोग का हो गया हेड क्लीन, अब हम लोग वाल्व बैठाएंगे। देखिए अच्छा से क्लीन करेंगे, पहले चेक कर लेंगे बाबरी का अंश टुकड़ा उठा है या नहीं है। हल्का हल्का बल्ब में ऑयल देंगे, उसके बाद हम लोग बल्ब बैठाएंगे। देखिए अब हम लोग का वॉशर लगेगा, वॉशर तो लग रहा है। देखिए अब हम लोग स्प्रिंग लगेगा, लॉक कटोरी बैठाएंगे पहले और लॉक लगाएंगे। हम लोग का पहला वाला बैठा रहा है फ्रेंड, देखिए हम लोग का बैठ गया। अब दूसरा बैठाते हैं, देखिए हम लोग दूसरा बैठ गया, हेड हम लोग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बोल्ट पिस्टन खोलते हैं, सिलेंडर किट खोल रहे, देखिए ग्रिप्स का ओरिजिनल जेन्युइन लगाते हैं फ्रेंड्स। अब बताएंगे इसमें ग्रुप कहाँ पे होता है। ये ग्रुप देख रहे हैं लाइनर पे आप, ये दोनों ग्रुप के सेंटर पर रखें रिंग का कटिंग को। देखिए हम लोग तीन पीस का रिंग आता है, ये देखिए यहाँ पे ग्रुप कटा हुआ है। देखिए ये ग्रुप जो बीच में होल देख रहे हैं वो ग्रुप के सेंटर पे दोनों रखना है, दोनों रिंग का मुंह को, और उल्टा साइड में भी यही करना है, सेकंड रिंग को भी वही उतना ही ग्रुप में रखना है। बीच वाला ग्रुप का होल के सेंटर पर रख के हम लोग को रिंग बैठाना है, इससे ऑयल जल्दी खाने का चांस कम रहता है फ्रेंड्स गाड़ी में। पहला रिंग बैठा रहे हैं, देखिए ऑयल रिंग इसको बोलते हैं। ये लोग तार से बैठाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि रिंग प्रेशर से बैठाने से रिंग घूम जाता है, उसका सेंटर नहीं मिल पाता है, इसके कारण मोबिल खाने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग तार से ही बैठाते हैं। ये हम लोग का पहला रिंग बैठ रहा है, देखिए तार निकाल लेंगे, हल्का सा थोड़ा ऊपर में बैठ जाएगा मगर रिंग बैठ गया। हम लोग पहला रिंग, अब सेकंड रिंग बैठाएंगे। इधर लाइनिंग का ग्रुप बना हुआ है ब्लॉक में, उसी सेंटर पर रखें। ये हम लोग का ये भी बैठ गया है, आप लोग का लास्ट रिंग बैठाएंगे। ये
लोग का ये भी बैठ गया, देखिए ये हो गया हम लोग कंप्लीट। अब हम लोग कनेक्टिंग रोड पे सीआर बैरिंग लगाएंगे, अच्छा से क्लीन करके लगाए ताकि बैरिंग घूमे ना। ये हम लोग लग गया है देखिए। अब हम लोग कनेक्टिंग चापा पे बैठाएंगे, सही अच्छा से पहुँच लेंगे हम लोग चापा को भी, ऑयल का लुब्रिकेट ना हो उसमें। हम लोग इसे भी क्लीन कर लेंगे चापा पे, ये कनेक्टिंग रोड का चापा है। अब देखिए हम लोग फिर से सीआर बैरिंग बैठा रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स। हम लोग को ये भी बैठ गया है। अब हम लोग हेड पे स्लिप रबर बैठाएंगे और गैसकेट बैठाएंगे, गैसकेट 7 mm का यूज करें VS4 में। ये देखिए हम लोग का स्लिप रबर ओरिजिनल लगाएं ग्रिप्स का, अच्छा से टेस्टिंग कर लेंगे हम लोग। ये हम लोग का टेस्टिंग हो गया है और ये हम लोग का अच्छा से टेस्टिंग हो गया है, देखिए फ्रेंड्स। हम लोग टेस्टिंग हो गया है, अब से हम लोग लगाएंगे। ये हम लोग का स्लिप रबर लग गया है, अब लगाएंगे गैसकेट हम लोग लगाएंगे इसमें। 7 mm का ही यूज करें हमेशा VS4 में। हम लोग का ये भी टेस्टिंग हो गया है, अब देखिए आराम से बैठाएंगे। हम लोग का ये भी बैठ गया फ्रेंड्स। अब हम लोग ब्लॉक में टेस्टिंग करेंगे सिलेंडर में, ऑयल लीक ना करे। हम इसे डालेंगे अच्छा से, देखिए अच्छा से टेस्टिंग हमारे कर लें। अभी हम डाल रहे हैं, देखिए नीचे का भी सीन देख लीजिए। ये देखिए हम लोग कैसे आ रहा है नीचे, ये हम लोग का क्रैंक में बैठ गया है। हम लोग कनेक्टिंग चापा लगाएंगे, अभी हम लोग कनेक्टिंग चापा देख रहे हैं। अभी सब लोग अच्छे से लगाएंगे, टाइट करेंगे। हम लोग का बैठ गया है दोनों। अब इसे हम सॉकेट से टाइट करेंगे। ये टाइट हो गया, अब चेंबर प्लेट लगाएंगे पहले हम लोग टेस्टिंग अच्छा से करके। ये हम चेंबर प्लेट लग गया है, थोड़ा सा वीडियो कट करते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग टॉप में करेंगे पिस्टन को फ्लाईव्हील घुमा के, ये हम लोग का टॉप में कर दिए इसे। अब इसमें हम लोग बीच में जो होल देख रहे हैं, आप पिस्टन के बीच में जो होल देख रहे हैं ये होल, ये हो गया देखिए ये होल देख रहे हैं। अब हम थोड़ा सा ऑयल देंगे, हम लोग ऑयल हो गया है। अब हम लोग इसमें हेड डालेंगे, देखिए हम लोग हेड आ रहा है नीचे से, आराम से डालेंगे हम लोग का गैसकेट नीचे ना गिरे। अच्छा से बैठाएंगे इसे हम लोग, स्लिप रबर का ग्रुप देके बैठाएंगे। हम लोग का बैठ गया है, हम लोग इसमें डालेंगे पुश रॉड। पुश रॉड को बैठाना होता है कैंप फ्लावर पे, दोनों दो गड्ढा बना हुआ रहता है गरारी, उसके अंदर नीचे बैठाएंगे। अब हम लोग टैपिट चिड़िया लगाएंगे फ्रेंड्स, देखिए
कैपिट चिड़िया लग गया है। वॉशर देंगे ऊपर, चारों स्टड में इसको वॉशर देंगे और चारों बोल्ट डालेंगे। पहले हम लोग दूसरा बोल्ट लग रहा है, तीसरा वॉशर, तीसरा बोल्ट देखिए डालेंगे, ये डाल रहे हैं। चौथा वॉशर, चौथा बोल्ट डालेंगे थोड़ी देर में। देखिए फ्रेंड्स, या देखिए हम अब लगाएंगे, देखिए वॉशर लग गया, बोल्ट लगा दे रहे हैं। अब इसे हम लोग क्रिस क्रॉस पैटर्न में पहले हल्का हल्का टाइट कर लेंगे, फाइनल टाइट नहीं देंगे इसे, अभी क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करेंगे। टैपिड चिड़िया को हिला के चेक करें लूज है या नहीं है, लूज नहीं रहेगा तो बल्ब बैंड कर सकता है फ्रेंड्स। तो लूज चेक कर करके हम लोग उसको हल्का टाइट करेंगे थोड़ा थोड़ा। ये हम लोग का हो गया हल्का हल्का टाइट चारों में आराम से, जितना लेवल माना चाहिए ला दिए हैं। अब सब फुल टाइट करेंगे थोड़ी देर बाद। अब हम लोग फुल टाइट कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही टाइट कर रहे हैं। अभी से हम लोग साइड लग कवर, फ्लाईव्हील कवर का बोल्ट कस रहे हैं, दो जो हेड में लगा हुआ रहता है। हम लोग फुली टाइट करेंगे इसे हम लोग। कर दिए हैं, अब फ्लाई व्हील कवर कसेंगे, पहले से सेट करेंगे, बैठाएंगे सही जगह पर। हम लोग बैठ गया है, अब इसका स्क्रू कसेंगे हम लोग फ्लाई व्हील कवर का। टाइट कर दिए हैं फ्लाईव्हील कवर, अब नोजल लगाएंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले ये हम लोग फुली टाइट हो गया है, अब हॉर्स पाइप पैकिंग लगाते हैं। हम लोग को लग गया हॉर्स पाइप पैकिंग, अब दोनों बोल्ट 15 नंबर का अच्छा से टाइट करेंगे। दोनों बराबर टाइट करेंगे, हम लोग टाइट हो गया है। अब हम लोग इसमें लगाएंगे सबसे पहले हॉर्स पाइप, इसे पेंच को अच्छा से कसेंगे।
रिटर्निंग पाइप। रिटर्निंग पाइप कसा गया है फ्रेंड, तो हम लोग नोजल लगाएंगे। ये देखिए नोजल हम लोग लगा रहे हैं। अब नोजल लगाने के बाद पाइप लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद लगाएंगे हम लोग नोजल प्लेट लगाएंगे। ये हम लोग पाइप लगा रहे हैं, देखिए प्रेशर पाइप जो नोजल को पंप से इंजेक्ट करता है तेल। इसे हम लोग टाइट करेंगे पहले। उसके बाद हम लोग नोजल प्लेट टाइट करेंगे 12 नंबर का सॉकेट से। जो हम लोग टाइट हो गया है, तो हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे प्रेशर पाइप को। ये चेक कर लिए, अब साइलेंसर पैकिंग लगा रहे हैं। साइलेंसर ढोल की लगा रहे हैं फ्रेंड्स। साइलेंसर लग गया है, देखिए लगा रहे हैं। देखिए अब हम लोग कैटिलेटर लग गया है, अब इसे टाइट करेंगे हम लोग। पहले कन्वर्टर ढक्कन को होता है ढकनी, इसे हम टाइट करेंगे 13 नंबर सॉकेट से। ये भी हम लोग कंप्लीट हो ही चुका है लगभग। रिटर्निंग पाइप पे टाइट करेंगे तो नोजल से रिटर्न जाता है तेल। अब इसमें मोबिल डालेंगे, डी तार टाइट कर लेंगे पहले। जो स्टार्टर होता है डी तार, वो हम लोग टाइट करेंगे। हो गया कंप्लीट, क्लास से चेक कर लेंगे अच्छा से। तो मोबाइल डाल रहे फ्रेंड, देखिए ये मोबाइल हम लोग लगता है 1 लीटर 75 ml लगता है, 1.75। ज़्यादा ना डालें मोबाइल, जितना होता है लेवल उतना ही डालें। ये चेक कर रहे हैं, देखिए हम लोग ये नया मोबाइल है, का पता नहीं चल रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए
लेवल पे हो गया है मोबिल। अब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करेंगे, टैपिंग मिलाते हैं फ्रेंड्स। हम लोग देखिए हम लोग टैपिंग मिला रहे हैं, चेक करके मिलाएंगे। लूज ज़्यादा ना रखें, ना ज़्यादा टाइट रखें। ये हम लोग का हो गया है, अब मिलाएंगे वो साइड वाला। अच्छा चेक करके मिलाएं, ये हम लोग दो को मिल गया। अब तीसरा बचा हुआ है, टाइट हो गया। टैपेट चेक कर लिए हैं, अब हम लोग टैपेट कवर लगाएंगे इसका। ये हो गया एडजस्ट, हम लोग चेक कर लिए हैं। अब हम लोग इस टैपेट कवर लगाएंगे सबसे पहले पैकिंग, उसके बाद टैपेट कवर लगाएंगे और तीनों बोल्ट कस लेंगे। हो गया, अब स्टार्ट करेंगे गाड़ी, ट्यूनिंग मिलाएंगे इसका हम लोग। स्टार्ट करके हम लोग ट्यूनिंग मिला रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स रेस में रेस लेवल पे रखेंगे, ट्यूनिंग करेंगे। बंद कर दियो। नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा रेस नहीं रखेंगे, ज़्यादा कम भी नहीं रखेंगे।